दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद। ऑटो का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखते हैं अलग अलग ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट पर जानकारी। तो आज हम देखने वाले हैं वॉकिंग स्टिक्स। दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, पेशेंट्स लोग रहते हैं हॉस्पिटल में, तो उनको आफ्टर सर्जरी डॉक्टर वॉकिंग स्टिक यूज़ करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊँगा कि वॉकिंग स्टिक दिखती कैसी है और अलग अलग वॉकिंग स्टिक्स के टाइप्स और उनका हाइट एडजस्टमेंट प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बेस है, ये रबर बुश है, यहाँ लोअर साइड पिन रहती है। आप इसे लूज करके स्टिक की हाइट बढ़ा सकते हैं। माइनर लूज करना है आपको और उसके हिसाब से यहाँ जो होल्स दिए रहते हैं, आप देख सकते हैं, उनको एडजस्ट करके आपको ये एक पिन होती है, उसको निकाल कर आपको उस होल को मैच करके आपको स्टिक की हाइट बढ़ानी है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया, इस की को आपको थोड़ा सा लूज करना है और होल्स को मैच करके आपको वो पिन सेट कर देनी है। दोस्तों, यहाँ हाइट कितनी होनी चाहिए ये भी मायने रखता है, तो मैं आपको बताऊंगा हाइट कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले ये इस पिन को निकाल देते हैं और होल को मैच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, एक हाइट एडजस्टेबल होल रहेगा, उसको मैच करके आपको ये पिन जो है वो सेट कर देनी है। ये देखिए, स्टिक की पिन सेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये लोअर स्क्रू जो है इसको टाइट कर देना है ताकि वो स्टिक फॉर्मली खड़ी रहे और जो हमने जो हाइट सेट की है वो भी फिक्स रहे, उसको ग्रिप मिले। ये आप देख सकते हैं, हमारी स्टिक की हाइट सेट हो गई है। तो दोस्तों, कई बार सिंगल स्टिक को भी हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा सिंगल स्टिक की हाइट भी कैसे चेंज करनी चाहिए। यह आप देख सकते हैं मेरे सामने स्टील की एक सिंगल लेग वाली स्टिक है। यहाँ मैं फिर से जो लोअर नीडल है, लोअर पिन है, उसको लूज करूँगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्टिक में बताया था, और इस बटन को आपको प्रेस करके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बाहर निकालना है और जो ये बटन है उसको सेट कर देना है। जितनी आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है आप उस होल को मैच करके आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉकिंग पिन जैसा सिस्टम नहीं है, तो आप प्रेस फिट करके जो हाइट चाहते हैं, हाइट की रिक्वायरमेंट चाहते हैं, उस हाइट पर आप सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, बाद में ये जो लोअर पिन है उसको टाइट कर देना है ताकि जो हमने हाइट सेट की है वो फॉर्म रहे, उसको ग्रिप मिल सके। ये देखिए दोस्तों, हमारी वॉकिंग स्टिक यूज़ करने के लिए एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मार्केट में अलग अलग स्टिक रहते हैं, तो उनका डिज़ाइन भी अलग रहता है। कई स्टिक में लॉकिंग पिन रहती है, स्क्रू रहता है, तो कई स्टिक में ये ऐसा राउंड रिंग रहता है। तो आपको क्या करना है कि इस रिंग को हाइट एडजस्टमेंट के हिसाब से सेट कर देना है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसको थोड़ा सा लूज़ कर देना है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ज़्यादा ओवर लूज़ नहीं करना है, वरना ये नीचे ऐसा लूज़ होके गिर सकता है। तो आपको क्या करना है, माइनर लूज़ करना है। अभी मैं इसकी हाइट बढ़ाऊँगा होल को मैच करके।
हाइट को सेट करने के बाद इस पिन को आपको टाइट कर देना है। अब हमारी वॉकिंग स्टिक यूज करने के लिए तैयार है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको हाइट कैसे सेट करना है ये बता दिया, पर हाइट कितनी होनी चाहिए अब ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हम सबकी हाइट अलग अलग होती है, तो हैंडल के ग्रिप को पकड़ने के लिए उस हाइट का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइट कैसे सेट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टिक की हाइट और मेरी हाइट, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हैंडल और मेरे हाथ में कितना अंतर है। यहाँ स्टिक की हाइट बहुत छोटी है और मेरा हाथ कंफर्टेबली हैंडल तक नहीं पहुँच रहा है। तो दोस्तों यहाँ हाइट बढ़ाते वक्त एक ध्यान रखना है कि ये जो रिस्ट जो कलाई होती है उसका बाहरी हिस्सा इस हैंडल को टच होना चाहिए, ताकि हाइट एडजस्ट करने में हमको आसानी होगी और हमारा हैंडल तक हाथ कंफर्टेबली पहुंच जाएगा। यहाँ दोस्तों इस स्टिक की हाइट ठीक नहीं है तो मैं बढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमारी स्टिक की हाइट अपने हाइट के हिसाब से सेट कर देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने होल मैच करके हाइट सेट कर दी है और हमारी स्टिक की जो हैंडल है हमारे रिस्ट क्रीज को टच हो रही है। अब हैंडल पकड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथ के एल्बो में एक 20-25 डिग्री का बैंड आने के बाद मैं स्टिक को एकदम फर्मली पकड़ पा रहा हूँ। हैंडल को आप देख सकते हैं यहाँ एक कंफर्टेबल ग्रिप मिल रही है और एल्बो में भी एग्जैक्ट एक्यूरेशन आ गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।